स्वागत है अविनाश फिटनेस क्लब में। तो गाइस जो आज की वीडियो है, मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी गेनिंग की डाइट की एक वीडियो बनाऊंगा कि मैं क्या डेली में क्या क्या खाता हूँ कि जिससे मेरे मसल साइज इतना गेन हुआ है, वो भी खाली 2 महीने के अंदर विद सप्लीमेंट्स। सो गाइस आज की वीडियो पूरी देखना, मैं अपनी पूरी डाइट बताऊंगा स्टार्टिंग से लेकर बेड मतलब सोने से पहले तक मैं क्या क्या करता हूँ, क्या क्या खाता हूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं फिर। हेलो गाइस, ये है मेरी फर्स्ट मील जिसके अंदर मैं 4 होल व्हीट ब्रेड यूज़ करता हूँ ब्रेकफास्ट मील के अंदर। और यार ये 4 एग्स का ऑमलेट है जिसके अंदर 2 होल एग हैं एंड 2 ओनली एग वाइट्स हैं। और टी यार मेरी फेवरेट है, तो मैं टी तो ज़रूरी पीता हूँ ब्रेकफास्ट के अंदर क्योंकि मैं इससे एक्टिव भी फील करता हूँ और यार मेरी बॉडी के लिए मेरे को लगता है बहुत सही है क्योंकि इसमें यार अदरक वगैरह मैं हर एक चीज़ यूज़ करता हूँ टी के लिए। तो गाइस ये मेरी फर्स्ट मील, मैं फटाफट से इसको खा लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। मेरी ब्रेकफास्ट मील के अंदर मैं 4 एग्स यूज करता हूँ जिसमें 2 होल एग होते हैं, 2 एग वाइट्स होते हैं एंड 4 होल व्हीट ब्रेड है। तो गाइज हमेशा कोशिश करा करो जो भी आपकी फर्स्ट मील होती है ना, प्लीज़ वो हैवी मील आप मतलब कंज्यूम करा करो, लाइक जैसे एग्स हो गए और आप ओट्स मील ले सकते हो या पनीर के आप सैंडविच बना सकते हो। क्योंकि गाइज हम कम से कम 7 से 8 घंटे ऑलमोस्ट हर कोई सोता है, उसके बाद एकदम एम्प्टी स्टमक उठते हैं तो बॉडी को भी यार रिकवर करना पड़ता है ना, तो उसके लिए हमें हमेशा हैवी मील लेनी चाहिए। तो फिर देखते हैं सेकंड मील मेरी क्या होती है। बाय। देखिए गाइस अब देख रहे हैं ये मेरी सेकंड मील जिसके अंदर मैं लेता हूँ अराउंड 70-80 ग्राम ओट्स एंड इसमें मैंने रेजन्स ऐड करे हैं एंड एप्पल। यार ओट्स के बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सबको पता होगा क्या, ओट्स में हमारे फाइबर्स होते हैं एंड एप्पल और रेजन से हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाएंगे। और यार ओट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन वगैरह भी सब कुछ होता है, आप इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स चेक कर सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ मतलब बहुत बेनिफिट्स हैं यार ओट मील के। ओके तो अब मैं इसको फटाफट से फिनिश करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ अपनी थर्ड मील। गाइज ये मेरी थर्ड मील है मैंगो शेक जिसके अंदर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाले हुए हैं एंड यार इसमें रेजन्स भी है। और यार जैसे कि मैं अगर मैंगो शेक के बेनिफिट्स की बात करूं तो यार इसमें बहुत बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है बहुत बेनिफिट्स होते हैं लाइक विटामिन मिनरल्स और इसके अंदर आपको प्रोटीन मिल जाएगा जो कि मिल्क से आएगा। और यार ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं और विटामिन मिलने बता दिए मैंने, एंटीऑक्सीडेंट है ये, आपकी आईज आपकी हेल्थ आपकी स्किन केयर के लिए भी बहुत बेनिफिट है। तो आप ये भी अपनी मसल गेन के अंदर ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल जाएंगे प्लस विटामिन एंड मिनरल्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मसल गेनिंग के अंदर और आपकी ओवरऑल बॉडी की रिकवरी के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मील के अंदर। मेरी यह 4th मील का टाइम हो गया और मेरी ये कह सकते हैं कि मेरी प्री वर्कआउट मील भी है ये। तो प्री वर्कआउट मील में यार मैं 2 बनाना यूज़ करता हूँ यार, ये गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपको वर्कआउट में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो फटाफट में 2 बनाना खा लेता हूँ फिर यार कोशिश करूँगा कि मैं अपने होम वर्कआउट भी थोड़ा बहुत जो मैं वर्कआउट करता हूँ मैं इसकी भी वीडियो बनाऊँ। तो पहले फटाफट से हम लेते हैं प्री वर्कआउट मील। वर्कआउट में शूट नहीं कर पाया तो
अब ये मेरी मैं यार पोस्ट वर्कआउट मील ले रहा हूँ अपनी, जिसके अंदर प्रोटीन है 5 ग्राम, इसमें क्रिएटिन है और 5 ग्राम इसमें ग्लूटामाइन है। तो जो आज मैंने ट्रेन करे, मैंने बाइसेप ट्राइसेप यूज करे, गेन के वो करे हैं ट्रेन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मील में, कि मेरी नेक्स्ट मील क्या होती है गाइस। बाय। 5th मील का टाइम हो चुका है यार। तो जो मेरी 5th मील है यार, वो है वाइट राइस एंड लेंटिल्स, जिसको कि कहते हैं दाल। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मेरी 5th मील। दाल में यार आपको सबको क्या प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और आपको राइस से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे जो कि आपकी एनर्जी में काम आएंगे, और दाल से यार प्रोटीन मिलेगा जो आपकी मसल बिल्डिंग के अंदर हेल्प करेगा। तो ये यार मेरी 5 मील्स होती हैं पूरे दिन के अंदर। ऑलमोस्ट जो भी घर में बनता है मैं खाता हूँ, मैं दाल रोटी भी खाता हूँ, ऐसी बात नहीं है यार, मैं हर चीज़ खाता हूँ। बाकी नाइट में अभी तो जैसे मैंने मैंगो शेक कंज्यूम कर लिया था ऑलरेडी, तो वैसे मैं सोने से पहले एक गिलास दूध भी पीता हूँ। मैं अपना काऊ मिल्क आते हैं मदर डेरी का, मैं एक गिलास दूध पी के सोता हूँ, क्योंकि यार आपको ये पता है मिल्क के अंदर कैसीन प्रोटीन होता है, जो मतलब जो हम सोते हैं तुम्हारी बॉडी को रिकवरी चाहिए होती है, तो कैसीन प्रोटीन बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है बॉडी में, तो वो आपके मसल रिकवरी में बहुत मतलब काम आता है। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, मैं आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करो, मेरे को थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है यार, मैं और भी नई वीडियोस लेके आऊँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।